हेलो दोस्तों, आदाब अर्ज़ है, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं वो फुकेन की FS04 मॉडल की हाई स्पीड इंडस्ट्रियल सिविंग मशीन के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। ये आपका मॉडल है FS04। इसी को पहले हम लोग खोलते हैं मशीन को, फिर आपको दिखाते हैं। ठीक है, मशीन खोल लिया। ये इसी तरह कार्टन में पूरा पैक की है मशीन, और एक इसका ऐसे कार्टन रहता है जिसमें आपका स्टैंड और टेबल होता है। मोटर इनबिल्ट होती है मशीनों में, मोटर पहले से ही साइड में लगी होती है, डायरेक्ट ड्राइव मोटर, इसलिए मोटर का कोई अलग से पैकेज नहीं रहता है। फ्रेंड्स, सिर्फ दो कार्टन बनता है। देखेंगे आप नेट वेट, मशीन का नेट वेट 35 केजी होता है, ग्रॉस वेट 38 केजी होता है। फुकेन की मशीन इंडिया में जो है STI अपैरल है, दिल्ली में, न्यू ओखला में, वही इस मशीन को इंपोर्ट करते हैं। तो हम लोग आपको फोटो दिखाते हैं। अच्छी मशीन होती है फुकेन की, बहुत सारे वीडियो हम लोग फुकेन के इससे पहले बना चुके हैं। ये एक नया मॉडल आया हुआ था तो हम लोग इसको बना रहे, इसको खोल के आपको दिखाते हैं। इसके अंदर जितने मशीन के एक्सेसरीज होंगे वो पूरा इसके अंदर इस कार्टून में होंगे, फिर मशीन का हेड जो होगा ये इसके अंदर होगा। ये निकलेगा तो ऐसे मशीन आपके अंदर रहेगी पूरी, थर्मोकोल के अंदर। तो निकालते हैं हम लोग बाहर, फिर दिखाते हैं आपको। तो ये मशीन फ्रेंड्स आपकी रखा गई है, पहले आपको पीछे से मशीन का लुक कैसा है ये दिखा दें। ये पूरा आपका मोटर जो होता है, ये डायरेक्ट ड्राइव मोटर होती है, मोटर मशीन के साथ ही लगी होती है, इसमें कोई बेल्ट नहीं होता है, पूरा मैग्नेटिक सिस्टम होता है मोटर के अंदर। तो जो पहले मशीनें आती थी, अब सब कंपनियां धीरे धीरे डायरेक्ट ड्राइव मोटर ही कर दिए हैं। वेरिएबल स्पीड होती है इसके अंदर, जितनी स्पीड पे मशीन चलेगी इतना बिजली लेगी। ये आपका मशीन का सामने से लुक है। अब मॉडल देखेंगे, इस पर फुकेन FS04 लिखा होगा, यहाँ पे FS04, और फुकेन का नाम आप देखेंगे यहाँ पे पूरा ऐसे ढला हुआ रहेगा। बड़ी कंपनी है फ्रेंड, काफी रेंज में मशीनें बनाते हैं फुकेन वाले। ये आपका जो है टाका छोटा बड़ा करने के लिए है मशीन। थोड़ा सा हम लोग को लुक तो फ्रेंड बहुत खूबसूरत है। अब आज के वक्त में जितनी भी मशीनें आ रही हैं सब काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत मशीनें बना रहे हैं कंपनी वाले। तो आपको मशीन नीचे से भी दिखाई देते हैं। तो ये देखिए, इसका नीचे का लुक होता है। ये जितनी हाई स्पीड मशीनें होती हैं सभी ऑटो ऑयल होती है फ्रेंड, इसीलिए आप यहाँ देख रहे हैं ये चैम्बर बना हुआ है। जब ये मशीन अपने स्टैंड पे और टेबल पे कसाएगी तो नीचे पटरे के नीचे एक छोटी सी टंकी लगी होती है जिसमें से तेल ये मशीन खींचती है, और खींच के हर एक एक पार्ट पे, जितने पार्ट्स हैं मशीन में, वहां पहुंचती है। ये इसका शटल होता है, जुकी मशीन का, हाई स्पीड मशीन का अलग शटल होता है अम्ब्रेला मशीन के मुकाबले। शानदार मशीन है, बढ़िया मशीन होती है इनकी। आप वही कंपनी की मशीन खरीदें फ्रेंड जिसकी सर्विस आपके यहाँ मिल जाए। मशीनें सभी कंपनियां अच्छी बनाती हैं, पर सर्विस सबसे मायने रखती है, क्योंकि इसके अंदर ये डायरेक्ट ड्राइव मोटर होती है। कोई प्रॉब्लम आया तो आपके डीलर के पास उसका पूरे पार्ट्स अवेलेबल हो, वैसी ही मशीन आप खरीदें। अब मशीन सीधी करके आपको वायरिंग करके फिर दिखाता हूँ। इसके जितने भी मशीन से रिलेटेड, जो मशीन की मुंडी है हेड उसका, उससे रिलेटेड जितने सामान होते हैं वो इसमें रखे होंगे आपके। यही तेल की टंकी होती है जो पटरे में कसा जाती है आपके। ये इसका रेगुलेटर है, ऑयल है, सब निकाल दो। इस मॉडल के अंदर कवर नहीं दिए हुए। आज तो बहुत सारी कंपनियां कवर भी देती हैं अगर रेक्सिन का, तो आप रेक्सिन का कवर लगा के मशीन में गर्दे ना जाए, पर इस मॉडल में आपको रेक्सिन का कुछ कवर नहीं दिए हुए। ये रेगुलेटर, इसका हम लोग कनेक्शन करते हैं तब तक।
ये मशीन में वायरिंग करते हो फ्रेंड, ये वायर ऑलरेडी पहले से मशीन के अंदर लगा रहेगा। आपको एक अलग से ये वायर मिलेगा कंपनी की तरफ से, जिसमें मेन खटका लगा होगा जो आप सॉकेट में लगाएंगे, तो इसी का आपको पहले कनेक्शन करना है। आप इसका जो कनेक्शन कर लीजिए जहाँ पे भी आपका लाइन हो, और रेगुलेटर कनेक्ट हो गया आप, ठीक है। थोड़ा सा मशीन को ऑन करिए, ये देखिए मशीन ऑन हो गई फ्रेंड, लाइट तो एकदम ज़बरदस्त है इसके ऊपर जल रही है आपको, ताकि काम करते हुए आपको थोड़ी सी भी दिक्कत ना आए। चलिए एक एक चीज़ देखते हैं हम लोग। इसमें लाइट के लिए फ्रेंड ऑन और ऑफ दो ही ऑप्शन है, बहुत सारी मशीनों में आज तीन ऑप्शन रहते हैं। लाइट थोड़ा सा मीडियम होती है, फास्ट होती है, और बहुत सुपर ब्राइट होती है। तो इसमें आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक तो जलेगा एक तो नहीं जलेगा। बाकी ये आपका ये हाफ टक्की के लिए होता है, मशीन चला के देखते हैं काम कर रहा है। हटा लीजिए, हाँ तो बस ये निडिल ऊपर और नीचे, इसका यही काम होता है कि निडिल पोजिशनिंग अगर आपने यहाँ से कर दिया है मशीन की, तो निडिल नीचे पे अगर सेट है तो आप यहाँ दबा के उसको ऊपर कर सकते हैं, और अगर ऊपर पे सेट है तो नीचे कर सकते हैं, बस यही इसका काम होता है। यहाँ से स्पीड का बढ़ाना घटाना, पूरी फुल स्पीड में मशीन चल रही है आपकी। एलईडी पैनल वगैरह काफ़ी खूबसूरत दिया हुआ है अंदर, इसमें लाइट दिया है ये और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। पहले तो जो है सिर्फ ब्लैक एंड वाइट होता था, थोड़ा कलरफुल है। ये आपका स्पीड हो गया, ये आपकी फुल स्पीड 4800 के आसपास है, थोड़ा घटा के देखते हैं। एक पुश में एक ही बार घट रहा है, दबाए रहने से लगातार हानि जा रहा है, ठीक है। चलाइए, स्पीड फुल जा रही है कि घटी? घटा, स्पीड घट गया ना, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, चलिए ठीक है। इसमें सीधा सिंपल सा है, बस घटाना बढ़ाना, बस ऊपर करिए तो बढ़ेगा, नीचे कर दीजिए घट जाएगा। फोर्टी एट हंड्रेड मैक्सिमम है इसका आरपीएम, फुल स्पीड है। बाकी बॉबिन वाइंडर तो आज के वक्त में जितनी भी मशीन है सब में ऊपर टॉप पे बॉबिन वाइंडर दे दिया हुआ है। ये आपका रेगुलेटर है स्पीड कम, टाके को छोटा बड़ा करने वाला, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो मशीन की बात हो गई, अब हम लोग थोड़ा इसका पौधान और पटरा भी आपको दिखा देते हैं। जैसे ये आपका कार्टन में आपका पटरा और पौधान हम दिखा दे रहे हैं आपको, एक मिनट। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपका जो टेबल है, हर तरफ से टेबल आपका फ्लैट होगा, इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर से, और नीचे से आपका फ्लैट रहेगा। यहाँ से आपका कर्व कर देगा, यहाँ से बेंड रहेगा, ताकि आपको काम करने में सहूलियत मिले। ये आपसे ऐसा कर्व में रहता है ना, तो काम करते हुए बहुत आसानी मिलती है। अब सभी कंपनियां धीरे 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 सब में कर्व हो गया है। तो ये फुकेन का जो है टेबल होता है, वाइट कलर के टेबल सभी में स्टैंडर्ड है। और यहाँ थोड़ा आप सामान छोटे मोटे निडिल वगैरह छोटे छोटे सामान रख सकते हैं। पटरा थोड़ा सा हटा दीजिए, तो इसका जो पौधान होता है फुकेन का, ये फुकेन का पौधान होता है, ये फुकेन का आपका इस तरह पैडिल होती है। ये भी आपका ब्लैक और वाइट के कॉम्बिनेशन में रहता है। तो ये सब चीज़ें हैं फ्रेंड्स। बाकी जितनी फिटिंग होती है पटरे की, जितनी भी फिटिंग होती है वो आपके पटरे वाले कार्टून में निकलेगी, और जो मशीन की जितनी, आपका मशीन का जो हेड होता है इसकी जितनी भी सामान होंगे वो मशीन के हेड वाले कार्टून में ही निकलेंगे। यही है फ्रेंड्स,
वीडियो था आपके लिए, एक नया मॉडल आया हुआ था तो हमने आपके लिए वीडियो बनाया। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। शुक्रिया।